भाभी, अब तो बाबा का मूड भी ठीक है, उन्होंने राफेल से सॉरी भी कर ली है, अब आप बात करें ना उनसे। देखो पापा ने अभी वक्त मांगा है ना, तो अभी तुम खामोश हो। ये क्या है, पहले राहिल के अब्बू नहीं मान रहे थे और अब हमारे। ऐसे तो होता है ऐसे कामों में, मगर क्यों है? बस अना और मसरत और क्या। भाभी राहेल की कॉल है। तो बात करो ना। मैं क्या बात करूं, वो एक ही बात करेगा कि बाबा लाहौर से आए कि नहीं। उसे कह दें कि नहीं आया अभी वापस। बात तो करो। हाँ राहिल बोलो। ये सब क्या हो रहा है आलिया? मेरे अब्बू माने तो तुम्हारे अब्बू लाहौर चले गए। बाबा का कोई ऑफिस का काम आ गया था, अब मैं क्या करूं? उनको कॉल करके बोलूं फौरन आए और हमारा रिश्ता तय करें? What's wrong with you, आलिया? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है राहिल, इतनी प्रॉब्लम्स, इतने मसले। इन रुकावटों को दूर करने का एक आसान सा हल मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कोर्ट मैरिज। शट अप राहिल। भाभी आलिया बस तुम सबर करो बेटा। बिल्कुल ऐसी ही नीचे बैठे हैं अभी, बहुत अच्छी कूलिंग कर रहे हैं। फरवाद तो हम जा नहीं सके, लेकिन अब ये कमरा ही लग रहा है जैसे फरवाद है। अच्छा सुने ना शहजाद, कब आएंगे आप? जब आप ही जाएं, देखें क्या वक्त हो रहा है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। चलें एक सेकंड रुकिए शहजाद, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। चलो लड़की कमरे से बाहर निकलो, मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ देर कूलिंग में आराम करना। अरे अम्मी आपको अगर आराम करना है तो आप मुझे निकलने को क्यों कह रही हैं? आप आ जाए, लेट जाए, यहाँ पे सो जाए। मैं किसी की मौजूदगी में आराम नहीं कर सकती। ये कह के कल तुम्हारी माँ ने मुझे और मेरी बेटी को कमरे से निकाला था ना, अब उठो और बाहर जाओ। ऐसी मेरे बेटी की कमाई का है, तुम्हारी माँ ने जहेज में नहीं दिया तुम्हें। अम्मी ये मेरा कमरा है, आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकती? एक मिनट। क्या कर रही हैं आप? छोड़ो ये कमाई। आप मेरे पे मत करें। तू टू कर ये टांग, कमरे से तो मैं तुझे निकाल के रहूंगी। चल। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। क्या कमाल की कूलिंग है, अब मैं करूंगी आराम। दरवाजा खोले नहीं तो मैं इसी वक्त शहजाद को फोन कर रही हूँ। क्या शोर मचाया हो भाई, और किसको दे रही हो शहजाद भाई की धमकी? शहजाद भाई की अपनी माँ को? ये कैसा इंसाफ है, उन्होंने मुझे कलाई से पकड़ के कमरे से बाहर निकाल दिया। वो दुख हुआ बहन, देखो आंखों में आंसू आ गए मेरी। शुक्र अदा करो कि उन्होंने बाजू से पकड़ के तुम्हें कमरे से बाहर निकाला है, चोटी पकड़ के घर से बाहर नहीं निकाल दिया। तुम्हारे घर में बहुओं के साथ इस तरह का सलूक किया जाता? नहीं यकीन मानो बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा बहुओं के साथ हमारे घर में सलूक, बड़ा अच्छा सलूक होता है। मगर तुम जो हो ना बहू नहीं हो इस घर, क्योंकि पता है बहू कौन होती है? बहू वो होती है जिसे ससुराल वाले खुद ब्याह कर लाते हैं। तुम ना मेरे भाई के पीछे पीछे आई हो, तो अब एक नेक काम ये करो कि सीधी शराफत से जाओ किचन में और खाना बनाओ मेरे लिए। मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या खाना बनाना नहीं आता? मुझे हैरत क्यों नहीं है बात सुन के? क्योंकि तुम्हें सिर्फ खाना खाना आता है, मगर इससे पहले कि जिस तरह अम्मी ने तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाया मैं तुम्हें किचन का रास्ता दिखाऊं, अपने पैरों पे चल के खुद जाओ और खाना बनाओ मेरे लिए। काम चोर कहीं की। अम्मी को देखो पूरे एसी के कमरे पर कब्जा कर लिया है। अम्मी अम्मी दरवाजा खोले, मुझे ठंडक में लेटना है।
मम्मी यार, आए आए, क्या है? सुकून से नहीं रहने देती मुझे दो मिनट।